जयपुर रेंज। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज बातचीत की शुरुआत में सुबह सुबह इतना खराब समाचार मिल गया, बात कर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए वीसी में जो इस समय सिनेरियो है उसके बारे में ही चर्चा हुई है। कई जगहों पर बहुत सारे कर्फ्यू एरियाज हैं पूरे स्टेट में ही, इसके अलावा लॉकडाउन में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। तो दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे कर्फ्यू एरिया को कंट्रोल करना है और किस तरह से जो लॉकडाउन में ढील देने के निर्देश हैं उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसी पर चर्चा थी और उसको ही फील्ड में लागू कराना। कर्फ्यू क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया गया, उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए कर्फ्यू क्षेत्र का जो दायरा बढ़ाया गया है उसमें हमारा काम बेसिकली ये है कि हम लोगों को घरों पर रहने के लिए मेंटली तैयार कर लें, अगर कोई फिर भी वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ वही मैं आपको बता रहा था कि कर्फ्यू क्षेत्र में इसके अलावा जो मूवमेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी मूवमेंट है, मेडिकल इमरजेंसीज हो गया या फिर कोई और आवश्यकताएं हो सकती हैं, तो उसके लिए पहले के जो नॉर्म्स हैं जो बाकी जगहों पर लागू हैं वही वहां पर भी लागू रहेंगे और लोग आराम से मेडिकल इमरजेंसी होने पर मूव कर सकेंगे, इसके लिए पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सप्लाई की जो है वो पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर प्रशासन की तरफ से सप्लाई पहुँचेगी, लोग उससे अपना सामान खरीद सकते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज बातचीत की शुरुआत में सुबह सुबह इतना खराब समाचार मिल गया, बात कर जो ग्रामीण में एक दुर्घटना हो गई हमारे एक सिपाही के साथ, हमारे एक्सीडेंट शायर हुआ है। तो ट्रांजिट में था वो, थोड़ा का पता नहीं आया, डाउट सीम्स टू बी। सबसे पहले माना जाता है, जैसे तुम्हें